एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक पंबासा में स्थित विक्रमपुर ताहरपुर गांव पड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 2 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर है। लगभग 4000 की आबादी व 2250 वोटरों द्वारा बीरभान सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 650 राशन कार्ड धारक लाभार्थी है। गाँव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 320 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गाँव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हैंडपंप लगे हुए हैं, जिनमें से वर्तमान प्रधान द्वारा कुछ हैंडपंपों को भी रिवोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर व 10 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 10 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 45 इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गाँव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शमशान घाट की बाउंड्री, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बिल्डिंग, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान ग्राम पंचायत विक्रमपुर ताहरपुर बीरभान सिंह यादव। मैंने गांव में अब तक 10 सीसी टाइल्स की सड़कें, अच्छा जहां रास्ताएं अधिक खराब थी, जहां गांव वालों को निकलने में परेशानी थी, वहीं वो सीसी टाइल्स के रोड बनवाए हैं और 3 रीबोर कराए हैं गांव में, जिससे जल की समस्या दूर हो गई और उनकी चबूतरी वगैरह का निर्माण कराया है। एक गांव में सम्मिलित जो गांव है करीमपुर, उसमें नाला निर्माण कराया, वो काफ़ी लंबा है, वहाँ मेन रोड पर पानी भरा हुआ रहता था, वो समस्याएं हल हो गई। अच्छा मेरे गांव में जो प्राथमिक विद्यालय है उसकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर स्थिति में है। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री जी पैसा आवंटित करा के और विद्यालय की जो जर्जर बिल्डिंग है वो दूसरी जगह निर्माण कराया जा सके। और हमारे गांव की जो शमशान है उसमें जो शमशान घाट पर कर्मशाला का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बरसात के मौसम में गांव के व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर वहां उनका दफन या मतलब क्रिया नहीं हो पाती बारिश के मौसम में। और मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो कब्रिस्तान है उनकी बाउंड्री होनी चाहिए। हेलो, मैं राहुल यादव, ग्राम पंचायत विक्रमपुर ताहरपुर। आप लोग ये देख रहे हैं रास्ता, ये पहले बहुत ख़राब था, ये हमारे गांव के प्रधान ने ठीक करा दिया है। हमारे गांव के प्रधान बहुत अच्छे हैं, ये रास्ता